मैं सवाल खड़ा करते हुए आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर की हमें सुनना है और जो भी हमें संदेह दे रहे हैं उनको समझना है और सीखना भी है। जब हम पवित्र आत्मा के बारे बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनना पड़ेगा। जैसा आज इस समय मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्यों मैं 5 बार हे पिता हमारे विनती किया, क्यों? यह मैं व्यक्तिगत प्रार्थना था कि किसी ने मुझे कहा? जोर से बोले, कितनों को यकीन है? कल मैं बोल रहा था ना, तो यही है पवित्र आत्मा का कहना। पवित्र आत्मा ने कहा कि मुझे एक गाना गाने के लिए बोलिए, तब तक तो तैयार हो जाओगे। हालेलुया, 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 और ये लोग भी तैयारी होंगे। हालेलुया, तो उसी को मैं कल कह रहा था, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में, बहुत स्पीड में लिया था मैं कल। अब मैं हल्का से लूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और लिखा हुआ है, जब सत्य की आत्मा आएगा, क्या लिखा है? झूठ की आत्मा नहीं, हालेलुया, परेवी की आत्मा नहीं, हालेलुया, धोखेबाजी की आत्मा नहीं, हालेलुया, भ्रम कराने वाली आत्मा नहीं, हालेलुया, गलत कराने वाले आत्मा नहीं, हालेलुया, बुराई कराने वाली आत्मा नहीं, हालेलुया, झूठ बोलने वाले आत्मा नहीं, हालेलुया, और झूठ बुलाने वाला आत्मा नहीं, हालेलुया। वो सत्य का आत्मा आएगा, वो सत्य है, वो झूठा नहीं है। और जब जब वो सत्य की आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं तो कभी असत्य नहीं हो सकता। कहने का है कि जो भी बातें हम कहे जाते हैं, कहते हैं, वो सत्य होता है। इसलिए मैं प्रमाणित करना चाहूँगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे सुबह से कह रहा था, कल सबों को बहुत अच्छा लगा प्रवचन और बहुत मनन चिंतन कर रहे थे, खुश से लोग और घर में भी वो लोग याद कर रहे थे। ये सच है। मैं आप लोगों को यह शिक्षा खड़ा करते हुए कहना चाहूँगा, कितने लोग घर में भी मनन चिंतन कर रहे थे, याद कर रहे थे और आप लोग को अच्छा लग रहा था, हाथ उठाएंगे। ये प्रभु का संदेश है। और मैं दीदी से कह रहा था कि दीदी, आप लोग में एक ही कमी होता है, आप लोग अपने आप को तैयारी करते हैं और आप लोग बोलते हैं कि हम तैयारी नहीं है। हम लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि प्रभु जब आप कहेंगे तभी मैं तैयारी हूँ। हालेलुया, जब आप बोलेंगे उसी समय कहने के लिए रेडी हूँ। हालेलुया, जहाँ आप भेजेंगे मैं जाऊँगा। हालेलुया, और जो कराएंगे मैं करूँगा। हालेलुया, जो सिखाएंगे मैं सीखूँगा। हालेलुया, जो आप समझाना चाहते हैं उसे मैं समझने की कोशिश करूँगा। हालेलुया, इसलिए आप लोगों में और मेरा में बहुत अंतर है। लेकिन आप लोग दूसरों से सीखना चाहते हैं, मैं प्रभु से सीखना चाहा और प्रभु ईश्वर ने मुझे सिखाया। हालेलुया, हालेलुया, वचन आता है, चले बढ़िया। हालेलुया, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। लूकास अध्याय 12:12 में आप पढ़ सकते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। क्या पढ़िए? क्योंकि उस घड़ी
क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये साफ साफ है, मेरा कहना कभी किसी के साथ गलती नहीं होता है, लेकिन जब मैं किसी को समझाना चाहता हूँ, बोलता हूँ, तो उनको लगता है कि वो हमारे कमियाँ दिखा रहा है। लेकिन जब से पवित्र आत्मा मुझे मिला, वो मुझे सिखाता रहा, और जो सिखाता है वही मैं बोलता हूँ। हालेलुया। संत यूहन्न का सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है, आप पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु कहता है, पिता को जो मैं करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। पिता जो बोलते हुए देखता हूँ वही मैं बोलता हूँ। पिता जो करता है वही मैं करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कुछ अलग से नहीं करता, जो पिता करते हुए देखा है, पिता ने जो किया है वही मैं करता हूँ। हालेलुया। लेकिन आप लोग नहीं विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं अध्याय 10 का, संत यूहन्न का, और भी बातें हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, मुझे याद नहीं था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस वचन को खोलो, जो यहाँ कुछ भी नहीं है वो सिखा रहा है और आपको भी सिखाना चाहता है। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर जो बोलता है वही मैं करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा प्रभु जो कहता है मैं रेडी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी मैं प्रार्थना सभा में आता हूँ, आप लोग से पूछता हूँ कि आप क्या रेडी हैं, आप झट से बोलते हैं हाँ हम लोग रेडी हैं, तो आप हाथ उठाते ही बोलने के लिए कहता हूँ, कितने लोग रेडी हैं हाथ उठाएंगे, तो आप जल्दी से उठाते हैं। हालेलुया। और मैं जानता हूँ कि आप रेडी हैं। हालेलुया। 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 और जहाँ रेडी है तभी तो बॉल खेला जाएगा, अगर प्लेयर रेडी नहीं है, तैयारी नहीं है, तो कैसे खेलेंगे हम फुटबॉल। मौजा ओजा जूता मजा लगा के हम निकल गए मैदान, तब खेलेंगे। हालेलुया। पता चल ही जाता है कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं और कितना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति का हालेलुया। हालेलुया। और मैं जानता था कि आप मेरे इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आएगा कि नहीं आएगा। हालेलुया। सेकंड टाइम में जॉर्ज भाई तो नहीं आ जाएगा। हालेलुया। ऐसा फीलिंग भी कर रहे होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप वचन सुन रहे थे, केवल मन में आपके अंदर नहीं घुस रहा था। घुस रहा था? नहीं। जोर से बोलिए, नहीं नहीं घुस रहा था। मुझको पता है, इसलिए आप इंतजार कर रहे हैं किसी का। मेरे प्रवक्ताओं को मैं शिकायत नहीं करना चाहूंगा, ये बात है नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं इधर हूं और ये सच है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि हमारे जो आप जिससे काम करने भेजे हैं वो काम तो कर रही है, लेकिन किसी के हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रही है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का काम अनोखी है। ये आपके अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है, तो आप आगे चलिए रोमियो के नाम, फिर से मैं यहाँ आऊँगा, रोमियो अध्याय 8 का 26 में पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ आ जाता हूँ मैं। हालेलुया। वहाँ लिखा हुआ है, स्पष्ट आँखों द्वारा। कभी कभी मुझे लोग सिखाना चाहते हैं कि स्पर्श आप जो बोलिए, स्पर्श से बोलिए, शुद्ध से बोलिए, अच्छा से बोलिए, अच्छा के कार्य करिए, अच्छे अच्छे के लिए सिखाते हैं, मैं बता रहा हूँ। ओके, बुरा नहीं है वो सिखाना, लेकिन मनुष्य का सीखा हुआ बात है। जब बच्चे सीखता है तो माँ कहना नहीं जानता है, वो पहला क्या सीखता है। आप सीनियर हो गए हैं पवित्र आत्मा के सामने, इसे पवित्र आत्मा आपको सिखाना नहीं चाहता। बच्चे क्या सीखते हैं, मेरा छोटा भाई का बात याद करता हूँ,
आपको बताना चाहूँगा हमारे भाई के बेनेडिक्ट के बारे में। मेरी माँ से बोलता था मैं चा खाबो, मैं पा खाबो। अब चा और पा चाय आन के दवत रहे तो मरायो, नहीं नहीं चा खाबो। आप क्या समझेंगे? तो पवित्र आत्मा हमें जब सिखाता है तो स्पर्श आहो द्वारा भी सिखाता है, स्पर्श आहो द्वारा भी सिखाता है। ऐसे बात नहीं है कि आप स्पर्श आहो द्वारा बोल रहे हैं इसलिए हम मामी पापा का बात सुनते हैं। ले 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 छोटा बच्चा को, और बच्चा समझ जाता है ले 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 ले। कितना खुश है, हालेलुया। ये सच है या नहीं? सच है। बच्चा समझ जाता है। तो ये बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, इसलिए कहता है तुम्हारे दुर्बलताओं में भी परमेश्वर सहायता करेगा। वो आपके आसपास आए हैं तो क्या हुआ? आपके आसपास शब्द है तो क्या हुआ? आप भाषा बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? आप भाषा का ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ? आप बोल सकते हैं जब पवित्र आत्मा सिखाता है। और पवित्र आत्मा स्पष्ट शब्दों से नहीं सिखाएगा, स्पष्ट आहो शब्दों से सिखाएगा। नील बच्चा समझता है वैसा वो व्यक्ति समझ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे डिफ्टन हो, चाहे डिफ्टन में बोले, चाहे जो भी भाषा में बोले, और समझ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? इसलिए पढ़िए रोमियो के ना, फिर आइए यहाँ। आत्मा में हमारी दुर्बलता में दोहराइए, आप मत सो जाइए। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमारी दुर्बलताओं में हम कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति हैं? हम तो सभी दुर्बल व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति हैं। हम शैतान से नहीं लड़ सकते हैं, शैतान से हम जीत नहीं सकते हैं। हम पढ़ाई में भी दुर्बल हैं। किसका पढ़ाई में? पवित्र आत्मा का पढ़ाई में। पवित्र आत्मा जब पढ़ाता है उस समय हम फेल कितना बार होंगे? हालेलुया, पता नहीं। हालेलुया, और आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जब पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं और आप समझ रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे यीशु ख्रीस्ट के लिए। हालेलुया, परम पिता के लिए। हालेलुया, ईश्वर के लिए। हालेलुया, और वो कहेगा ये अच्छा टीचर है। हालेलुया, अच्छा गुरु है। हालेलुया, ये गुरुओं का गुरु बन सकता है। हालेलुया, ये सीखने का कोशिश करता है। हालेलुया, पढ़ने की कोशिश करता है। हालेलुया, किसी और से सीखना नहीं चाहता, मुझसे सीखना चाहता है। और उसी को मैं कह रहा था अभी कि यीशु क्रिस्त ने कहा जो पिता करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ, और पिता जो बोलता है वही मैं बोलता हूँ। इस बात को अभी मैं ला रहा हूँ 10 अध्याय का संजोहन का समाचार 37 में लिखा हुआ है। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो। हाँ, बोलता है कि अगर तुम मुझे विश्वास नहीं करता है, मुझ में इतना ज्ञान आप में नहीं है, तो मेरा कार्यों पर विश्वास करो। हालेलुया, आज मुझे आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो मेरे कार्यों में देखो। क्योंकि पिता का काम करने के लिए मैं आया हूँ, और मेरा पिता का काम करने के लिए मुझे भेजा गया। हालेलुया, इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं जो शिक्षा मैं देता हूँ
और जो शिक्षा दे रहा हूँ वो मेरी शिक्षा नहीं है, ये ईश्वर का है जिन्होंने मुझे सिखाया। और यही बात है संजीवन का समाचार अध्याय 7:16 में कहता है, पढ़िए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है या उसकी है जिसने मुझे भेजा है। मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, उसका है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं नहीं भेजा होता तो मैं संसार का काम को करता, पिता का काम नहीं करता। ये पिता का काम है या संसार का काम है? जोर से बोले ना। तो इसी कार्यों को देखते हुए आप लोग विश्वास करो कि मेरे पिता का काम करना शुरू कर दिया है और अभी से नहीं उसी समय से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शिक्षा मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरी शिक्षा नहीं है, किसका है? समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? जोर से बोले, समझ रहे हैं। इसलिए आप किसका शिक्षा में चलना होगा? जोर से बोले, पिता ईश्वर का, यीशु का, पिता का शिक्षा में जाना होगा। आगे बढ़िए। यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वह या जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है अथवा मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। हालेलुया। साफ साफ कह देता है, यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो जान जाएगा कि ये शिक्षा मेरे ओर से है या ईश्वर की ओर से है। और ये बातें मैं जानता हूँ कि ईश्वर की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है। और ये बातें मैं कितना बार आपको कह चुका हूँ। और मेरी ओर से नहीं है इसलिए ईश्वर की ओर से है, इसलिए आप समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं और आप में सामर्थ आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं किसी को भी ज्ञान ईश्वर के साथ ईश्वर के सामने पहुंचाना चाहता था तो पहले उसको बताता था कि पहले अपना पर्सनल आत्मा को जानना होगा। अब पर्सनल आत्मा के द्वारा पिता का इच्छा को नहीं जान सकते। पिता का इच्छा आपके लिए क्या है आप नहीं जान सकते, इसलिए पर्सनल आत्मा से निकलना होगा। और इसी को संत पौलुस ने कहा था, संत पौलुस ने कहा था, पढ़ सकते हैं 1 Corinthians 2:5 में, कोई निजी आत्मा के अतिरिक्त किसी का अर्थताम नहीं जानता, उसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त किसी का अर्थताम नहीं जान सकता, ईश्वर का अर्थताम नहीं जान सकता। इसलिए ईश्वर की ओर से आप नहीं हैं और ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संकल्प नहीं है तो आप नहीं जान सकते कि यह शिक्षा मेरा है या ईश्वर की ओर से मैं कह रहा हूं। आप जानते हैं ईश्वर की ओर से कह रहे हैं उसको, ये अनुभव है? बोलिए ना, नहीं है। निकल मैं कर सकता हूं और आपको कह सकता हूं कि आप अपनी ओर से कह रहे हैं। इसलिए पहले सिखाता हूं कि पहला आत्मा पर्सनल से निकलना होगा। दूसरा मैं कहता हूं ईश्वर तक पहुंचने के लिए पर्सनल आत्मा से निकलना होगा, पवित्र आत्मा से भरना होगा और पवित्र आत्मा का इच्छा पूरा करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो चाहता है वही करना होगा। हालेलुया, लेकिन उसकी सुनना होगा। हालेलुया, लेकिन आप तो संसार में हैं और संसार के मनोकामनाओं में, कल्पनाओं में और कल्पनिक में हैं, इसलिए आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। पर चीज को जानेंगे, अंदर चीज को नहीं जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बार बार कहता हूँ, समुन्दर के नीचे क्या है? मोती है। तो आप तो ऊपर वाले भाग हैं जो समुन्दर के लहर के साथ रिसाए बोलता है। आपका विश्वास समुद्र के लहर के तरह है और आपका मन समुद्र के लहर के सदस्य है, आयतिर है, गतिमान है, इसलिए आप ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैं आई भी कहता हूं ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन से नहीं होना पड़ेगा,
जिसका मन चंचल है, जिसका मन स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं कर सकता है प्रार्थना के समय, वचन के समय और जीवन के समय, तो वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मन से भी आप संचालित होते हैं, दिमाग से भी संचालित होते हैं। और ये दिमाग जो है पढ़ाई करके मिला है, डिग्री करके मिला है, पवित्र आत्मा से नहीं मिला है। और कहूंगा तो पवित्र आत्मा से मिला है तो माँ के गर्भ मिला है, इस संसार के लिए मिला है, ईश्वर से नहीं मिला है। इसलिए ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करना होगा, यीशु से प्रार्थना करना होगा, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना होगा कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिले। और सुलेमान को आध्यात्मिक ज्ञान मिला था, आध्यात्मिक प्रज्ञा मिला था, इसलिए वो सब कुछ जानता था और सब कुछ बता सकता था। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 में वह लिखा हुआ है, कितना मूर्ख है व्यक्ति जो प्रभु का ज्ञान नहीं है। आज मैं हाथ उठाने बोलूंगा तो विश्वास करता हूं 1 से लेकर 11 तक के हाथ उठाएंगे, 1 क्लास से लेकर 11 तक के हाथ उठाएंगे, और से डिग्री उधर भी किए होंगे, पढ़े लिखे हैं। चलिए 1 क्लास उधर हाथ उठाएंगे, जितने पढ़े लिखे लोग हैं 1 क्लास उधर पढ़े हैं, 1 से लेकर 11 तक उधर जितने ही पढ़े लिखे हैं उठाइए। 1 क्लास को रुकिया, 1 क्लास पढ़ा है मतलब पढ़ा है ना, तो काफी संख्या में आप लोग हैं। आप अनपढ़ नहीं है, गावड़ नहीं है, लेकिन आप इस ज्ञान से, इस दुनिया के ज्ञान से संपन्न है। और बाइबल यही कहता है कि आप में दुनियादारी का या पढ़ाई का ज्ञान है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो आप कितने मूर्ख व्यक्ति हैं। और जब से मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला, ईश्वरीय ज्ञान मिला, तब से मैं इस स्टेज में आने शुरू किया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और छोटी छोटी स्टेज नहीं, बड़े बड़े स्टेज में चढ़ चुका हूँ। हालेलुया। और कहाँ कहाँ चढ़ना है, हालेलुया, हालेलुया। और शिक्षा देना है, हालेलुया। नील इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी आप ईश्वर को नहीं जानते, आप में ईश्वर का ज्ञान नहीं है, इसी कारण से आप ईश्वर को नहीं जानते हैं। बताता है, पढ़िए। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं, जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दिन से जगत को देखकर सत नमक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। सांसद बोलता है सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ है। आप ईश्वर ने हमें सृष्टि किया लेकिन हम उस सृष्टिकर्ता को नहीं जान पा रहे हैं। हालेलुया। संत पौलुस हमें समझाना चाहते हैं, आगे पढ़िए अध्याय 2 का 13 में पढ़िए। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय वरदान जो भी वरदान आप लोग को मिला है मैं व्याख्या कर सकता हूँ, मैंने कहा, और जान सकता हूँ और बता सकता हूँ। संत पौलुस कहते हैं कि इस वरदान के व्याख्या करते समय मैं मानवीय प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं किया, जो डिग्री किया था उसका इस्तेमाल नहीं किया, मैं पढ़ाई किया था उसका इस्तेमाल नहीं किया था, मैं अंग्रेजी जानता था, मैं किताब पढ़ना जानता था, मैं बाइबल या ग्रंथ पढ़ना जानता था और मुझे अधिकार मिला था, मैं एक सैनिक था, बड़ा नौकरी करता था, मैंने पढ़ा लिखा में तो नौकरी नहीं मिलेगा ना, बड़ी पदवी नहीं मिलेगी, बड़ी पदवी मिला था और बड़ा अधिकारी व्यक्ति था,
और वो संत पौलुस ईश्वर को जानने के बाद, ईश्वर को पहचानने के बाद, ईश्वर के ज्ञान में बढ़ने के बाद कहता है कि आपको जो प्रज्ञा मिला है उन लोगों को जो पढ़ाई का घमंड करते हैं, डिग्री का घमंड करते हैं। और वो शिक्षित लोगों को भी समझाना चाहता था कि मैं शिक्षित हूं, लेकिन शिक्षित के अनुसार मैं एक कामया नहीं, कार्य नहीं कर रहा हूं, और ये भाषा नहीं बोलता हूं, और ये शिक्षा नहीं देता हूं मैं। इस ज्ञान के कारण से मैं बाइबल का व्याख्या नहीं करता हूं। क्या लिखा हुआ है इसके द्वारा करता हूं, नीचे पढ़िए। मानवीय प्राज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा, आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का, प्रदत्त शब्दों का, प्रदत्त मतलब जो ईश्वर ने दिया है और सर्वश्रेष्ठ है, जो ईश्वर ने दिया है और सर्वश्रेष्ठ है, जो डिग्री करके भी वो डिग्री जो है सर्वश्रेष्ठ है, उस शक्ति से मैं इस क्या करता हूं, व्याख्या करता हूं और यह शिक्षा देता हूं। हालेलुया। नीचे पढ़िए। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्द वाले में, आध्यात्मिक शब्द वाले में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। आध्यात्मिक शब्द वाले में, आध्यात्मिक शब्द बोलने में और आध्यात्मिक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, दुनिया के शब्द का नहीं, आध्यात्मिक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ और आध्यात्मिक तत्वों के मैं विवेचना करता हूँ, किसी और का नहीं। हालेलुया। बहुत मौके समझ में नहीं आ रहा होगा। हालेलुया। थोड़ा हाई लेवल का शिक्षा हो जा रहा है क्या, होना चाहिए ना, तालियां बजाएंगे। इसलिए आपको पहले दिन से सुनना पड़ता है, पहले दिन से नहीं सुनेंगे आप समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। आप सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए मुझे पढ़िए। प्राकृतिक मनुष्य, हाँ प्राकृतिक मनुष्य, प्राकृतिक मतलब दुनियादारी, संसार के व्यक्ति, संसार में रहे व्यक्ति, संसार के लिए जीने वाला व्यक्ति, संसार के लिए खाने वाला व्यक्ति, संसार में मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति, या संसार के काम काज मेहनत जो छुआ पोता के देख रेख करने में कल लगे रहेंगे, वो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान सकता और ईश्वर की शिक्षा को अस्वीकार करता है वो। इसलिए आपका पारिवारिक जीना और मेरा पारिवारिक जीना अलग है, इसलिए मैं कहता हूँ आप मुझे उस तरह का मत बनाइए जो आप लोग जीते आए हैं। मेरा पारिवारिक जीवन अलग है, आप लोग का पारिवारिक जीवन अलग है। हालेलुया। लेकिन इस प्रभु का समझाना चाहता है, जब जेम्स पारिवारिक जीवन में इतनी बड़ी काम कर सकता है बेटा, और आप क्यों नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप भी कर पाएंगे, ये गर्व है, आप गर्व होना चाहिए। हालेलुया। 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 ये काम कर पाएंगे जब परम पिता को करते हुए देखेंगे। हालेलुया। और परम पिता जो बोलता है, हालेलुया, क्या करता है, बोलता है, वही बोलना पड़ेगा। हालेलुया। फिर आप जाइए संजोहन में आ जाइए। हालेलुया। अध्याय 7:17 संजोहन का सुसमाचार। यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वह यह जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है अथवा मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। जो अपनी ओर से बोलता है वह अपने लिए सम्मान चाहता है, अपने लिए सम्मान चाहता है। हालेलुया। अपनी ओर से बोलता है वो अपने लिए इज्जत, और यही चीज, यही बातें माँ मरिया बोली थी, जब मैं दुखी हुआ, जब लोग कहने लगे कि जेम्स को पवित्र आत्मा नहीं लड़की का आत्मा मिला है, क्या क्या आत्मा मिला है,
लड़के का आत्मा मिला है। कौन लड़के का? जिसे एक्स करने वाले लड़के का। सभी लड़कियों का तो आत्मा नहीं मिलता है ना, कोई लड़की को, लड़कों, किसी लड़का को उसी लड़के की आत्मा मिलता है, उसके पीछे पड़ा रहता है। हालेलुया, लबलू लबलू करने लगाता है। हालेलुया। और जो लड़का किसी से प्यार, किसी लड़की ने किसी लड़का से प्यार करता है तो उसको भी वही लड़का का आत्मा मिला है। हालेलुया। उसी का भूत चढ़ा हुआ है। हालेलुया। अपने आगे पीछे। हालेलुया। वैसे ही उन्होंने कहा कि जेम्स को ईश्वर का आत्मा नहीं मिला है, क्या आत्मा मिला है? भूत का आत्मा नहीं बोला, क्या का आत्मा मिला है? लड़के का आत्मा मिला है। हालेलुया। हालेलुया। और कौन कौन लड़के का? उसका लाभर का। हालेलुया। जिसे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने दुखी होते हुए प्रभु यीशु से कहा, परम पिता से कहा, भद्रात्मा से कहा, हे प्रभु मैं तो पापी हूँ, माँ के गर्भ से, लेकिन आप पापी नहीं है, आप दोषी नहीं है, अपराधी नहीं है, मैंने जो पाप किया है उसी का शिकायत आपको सुनना पड़ रहा है और आपको दोष लगाया जा रहा है। मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, इसलिए ये काम मैं नहीं करना चाहता और आपको कलंकित करना नहीं चाहता और आपको बदनाम करना नहीं चाहता है, नहीं चाहता हूँ और ना आपको दोष लगाना, इसलिए ये कार्य मैं नहीं करूँगा। हालेलुया। ये कार्य मैं किसी और को वरदान, किसी और का वरदान दे दीजिए, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं पापी हूँ। मरियम ने सिर में हाथ रखते हुए कही कि आप किसका इज्जत और आदर और सम्मान चाहते हैं? तो मैंने कहा आपका ही, प्रभु यीशु का ही, परमपिता का ही। तो हमको आदर करते हैं, इज्जत करते हैं और आपको सम्मान देते हैं, ये लोग नहीं देते हैं। तो कहना मैं समझ गया कि मैं अपने ओर से बोलता तो ईश्वर का सम्मान नहीं चाहता और मैं अपने ओर से बोलता तो मैं अपना सम्मान चाहता। निखिल माँ मरियम ने समझा दी और कहा कि अपने ओर से नहीं है, ईश्वर की ओर से हैं, इसे ईश्वर का चाहते हैं तो ईश्वर तो आपका आदर और सम्मान देता है। हालेलुया। दुनिया माने या माने, दुनिया माने या माने। इसलिए खिस्ते भक्त गण या सभी खिस्ते भक्त हैं, आप लोग इसी वचन को सुनने के आगे काम करने वाले हैं, इसलिए आप दुनिया के बातों से दुखी मत होइएगा अगर आप पवित्र आत्मा से संचालित हैं तो। पवित्र आत्मा का बात को लेकर चलिए, वो आपको सम्मान, अपने को सम्मान मत बनाइएगा। आप संसार के सम्मान चाहेंगे तो अपने आत्मा खो देंगे, पवित्र आत्मा खो देंगे जिन्होंने ईश्वर ने आपको दिया है। इसलिए मैं एक प्रचारक से कहा, आप दुनिया का बात नहीं सुनना है, चाहे आपका परिवार क्यों ना हो। हालेलुया। तो आप बढ़ पाएंगे। हालेलुया। उसका सुना जिसने आपको चुना था। हालेलुया। हालेलुया। फिर से आप वही स्थान में आ जाएंगे। हालेलुया। जिसने आपको क्या किया था? चुना था। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। अरे प्रभु यीशु कह रहे कि एक वचन हो जाए, क्योंकि आराम से प्रवचन है, इसलिए आप अच्छे सोच रहे हैं, अच्छा विचार कर रहे हैं, फिर भी हम अच्छे गाएंगे और एक बार वचन गाएंगे, खड़े हो जाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे Yeah.
इस वरदान के व्याख्या करते समय इस मानवीय प्रज्ञा के इस्तेमाल नहीं करता और मैं इसे इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ से नहीं पढ़े थे। पहला अध्याय दो। प्रकृतिक मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। प्रकृतिक दुनिया के मनुष्य ईश्वर का शिक्षा को स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। आगे बढ़िए। उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में क्या है? असामर्थ है। हालेलुया। क्या है वो? ईश्वर का शिक्षा क्या मानता है? वो मूर्खता मानता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है और पवित्र आत्मा से अगुवाई नहीं है। हालेलुया। बेकूफ मानते हैं। हालेलुया। बेकूफ समझा जाता है। हालेलुया। पिता की स्तुति हो। अधिकतर लोग मुझे क्या मानते हैं? बेकूफ मानते हैं। क्यों मानते हैं? मानते हैं क्या? हाँ, क्योंकि प्रकृति है, दुनियादारी में है। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए, आगे देखिए। उस व्यक्ति को समझने के लिए मैं उस समय दीदी से भी बोल रहा था कि आप दुनिया से शिक्षा ग्रहण करेंगे और मुझे जानना चाहेंगे, आप नहीं जान पाएंगे मुझे, नहीं मेरा कल्पना कर पाएंगे। नीचे लिखा हुआ बात है। क्योंकि आत्मा की सहायता से ही। हाँ, रो रही है। क्योंकि आत्मा की सहायता से ही आत्मा की सहायता से ही आप उस शिक्षा का प्रयोग कर पाएंगे। हालेलुया। अलग कर पाएंगे। हालेलुया। जान पाएंगे। हालेलुया। और ईश्वर को जान पाएंगे। हालेलुया। यीशु को जान पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जान पाएंगे। हालेलुया। और उस व्यक्ति को जिसमें पवित्र आत्मा ईश्वर है। हालेलुया। चला रहे। हालेलुया। अगवे कर। हालेलुया। संचालित कर। हालेलुया। हालेलुया। नीचे पढ़िए। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों के क्या करता है? परख करता है। नीचे पढ़िए क्या लिखता है। किंतु कोई भी उस
मनुष्य की परख नहीं कर पाता, उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता जो आध्यात्मिक है। हालेलुया, आगे बढ़िए। क्योंकि प्रभु का मान कौन जानता है, प्रभु का मान कौन जानता है। हालेलुया, साफ साफ कहा जाता है क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य है, इसलिए उनके अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए उसका मान कौन जानता है। हालेलुया, आगे बढ़िए। कौन उसे शिक्षा दे सकता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मुझे शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं दे पाएंगे मुझे शिक्षा, सवाल उठता है, क्योंकि मेरे अंदर कौन है, पवित्र आत्मा ईश्वर, उसका शिक्षा का सुनूंगी या तुम्हारा शिक्षा का सुनूंगा। जोर से बोले ना, जोर से बोले ना। हालेलुया। नामिया का ग्रंथ आधे नाव पांच संख्या 20 लिखा है, तूने उन्हें अपना, दोहराइए दोहराइए, तुमने उन्हें अपना कल्याणकारी आत्मा प्रदान किया, जिससे तुम्हें विवेक आ जाए। तुम में कल्याणकारी ईश्वर दे आत्मा प्रदान किया है आपको, मुझको, सबको, और जिसको भी किया है, उसमें विवेक आता है। क्या आता है, जोर से बोले, विवेक आता है। दुनिया का के ईश्वर का, जोर से बोले ना। इसलिए उनको परख करने का शक्ति, हालेलुया, चिन्हने का शक्ति, हालेलुया, अनुभव करने का शक्ति, हालेलुया, कौन भला है और कौन बुरा है, हालेलुया, आगे लेके जा सकते हैं। अब इसाइस नबी 11:2 प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्राज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा। हालेलुया, प्रभु का आत्मा तुम पर छाया रहेगा। इसाइस नबी लिखते हैं कि प्रभु यीशु पर ही वह ईश्वर का आत्मा छाया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग दूत ने, गैब्रियल दूत ने कहा मां मरियम से कि वह आत्मा आप में उतरेगा, और क्या कहा उसके आगे, उन्होंने कहा कि ईश्वर के शक्ति के छाया, शक्ति के छाया आप पर पड़ेगी और आप पुत्र प्रसव करेगी। हालेलुया, और यहां क्या कह रहा है, प्रभु की आत्मा आप पर छाया रहेगी, समाया रहेगी, आप में समाया रहेगा। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा समाया रहता है वही व्यक्ति प्रभु यीशु को जानता है, यीशु को जानता है, परमपिता को जानता है, पवित्र आत्मा को जानता है और जान को जानता है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा छाया रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उन दिनों प्रभु यीशु में छाया रहता था। हालेलुया, ज्ञान और प्रज्ञा के आत्मा, हालेलुया, बुद्धि के आत्मा, हालेलुया, श्रद्धा के आत्मा, हालेलुया, भक्ति के आत्मा, हालेलुया, श्रद्धा के आत्मा, हालेलुया, धैर्य के आत्मा, हालेलुया, उसमें छाया रहता था। हालेलुया, ये बातें लिखते हैं। इसलिए यीशु क्रिस में ही यह कृपा थी। अब मैं आगे लेके चलूंगा। शैतान ने युवा से बोला और कहा ये तो तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये जो आदम पेड़ है ना वो तुम्हारे लिए बनाया गया है,
और तुम्हारे लिए ने रोपा है, इसलिए इसके खाने में तुमको कौन मना किया? तुमने कहा मेरा पिता मना किया है। भला और बुरा का ज्ञान खाने के लिए कौन मना किया है? तो उन्होंने कहा परमेश्वर ने मना किया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे बुढ़बक, अगर इस फल को खाएंगे, इस ज्ञान को खाएंगे, इस प्रज्ञा को लेंगे, इस बुद्धि को लेंगे, इस शिक्षा को लेंगे, तो आप परमेश्वर के बराबर ही बन जाएंगे। हालेलुया। और जितनों ने इस प्रज्ञा को, इस बुद्धि को, ये ज्ञान को लिया, यीशु का ज्ञान नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा का ज्ञान लिया जो ईश्वर ने डाला था उस लूसीफर में, इतना प्रज्ञा और इतना ज्ञान उस शैतान का ज्ञान को लेते हैं, वो वैज्ञानिक भी ईश्वर का ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, शैतान का ज्ञान को हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वो सब कुछ जान जाते हैं और उसे नहीं मारेंगे, उसे आप नहीं मारेंगे, उसे खाएंगे तो नहीं मारेंगे। और आज दुनिया को बचाने में साइंटिक लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कि भूकंप से बचा रहे, हालेलुया। बाढ़ से बचा, हालेलुया। हवा से बचा रहे, हालेलुया। तूफान से बचा, हालेलुया। मृत्यु की रक्षा करने वाला वैज्ञानिक है, हालेलुया। सुरक्षा देने वाला, बचाने वाला, हालेलुया। केस का सुरक्षा दे रहे, हालेलुया। निकले संसार का है, इस संसार का, इस संसार का है जिससे हम सुरक्षा रहेंगे और इससे हम जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यीशु का जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम शरीर का सुरक्षा दे सकते हैं, आत्मा का सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। नहीं, आत्मा का सुरक्षा दे सकते हैं? नहीं। कौन देगा आत्मा का सुरक्षा? यीशु। तो ईश्वर चाहता है कि आत्मा का भी सुरक्षा किया जाए। और कोरोना से किसने बचाया? यीशु। सुरक्षा किसने दिया? ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कोई वैज्ञानिक दे पा रहा था? नहीं। कोई साइंटिस्ट बचा रहा था? नहीं। सांप के सांप क्या हो गए थे? मर रहे थे, मर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कौन बचाएगा? हालेलुया, हालेलुया। कौन मौत के गाले लगाएगा? हालेलुया, हालेलुया। पर मरद कोरोना हो जाए तो हम दुरिया भागत रही। हालेलुया, मरबे तो मर, एकले मर, मैं नहीं मरबू। हालेलुया, हालेलुया। आपको मरना है कोरोना से, मारिए, मुझको मरना नहीं। हालेलुया, कोरोना से हो, कोरोना हो गया है तो आप भी भागेंगे। हालेलुया, और आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, जेल में नहीं डाल दिया जाता, कारखाना में डाल दिया जाता था जहां रोना और तड़पना है और चिल्लाना है, जहां कोई नहीं जाते हैं, अकेले रहेंगे। ये सब भयंकर परिस्थिति था, कितना भयानक परिस्थिति था आप बताइए। उस शैतान के गढ़ा में कोई नहीं जाते हैं ना, उस गड्ढा में जाते, उस तरह से आपका जीवन हो गया था। हालेलुया, जिनके जीते नरक में है। हालेलुया, ऐसा लग रहा था होगा जो जिसको कोरोना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। कोई पूछने वाला नहीं। हालेलुया, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। हालेलुया, कोई देखभाल करने वाला नहीं। हालेलुया, जिसको कोरोना नहीं था वो तो बहुत खुश थे। तो परमेश्वर चाहता है कि आज प्रभु को जाने, मुझे जाने। तो शैतान ने आदम से नहीं, हेवा से बोले और प्रज्ञावान ने इसलिए कहा कि तुम इसे खाओगे तो नहीं मारोगे, आँख खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? आँख खुला था कि नहीं खुला था? जोर से बोले ना, कौन सा आँखें खुलना चाह रहा था? संसारी आंखें, आगे क्या आंखें था उसके अंदर? आध्यात्मिक आंखें था। अभी क्या आंखें से देखेंगे संसार को? आगे आध्यात्मिक आंख से अपना पति को मानती थी, अभी सांसारिक आंखों से पत्नी पति मानेगा, अलग बात है।
आज पहले से तो पति है उनका कि किसी और का था, लेकिन उस समय आध्यात्मिक पति मानता था और बाद में क्या मान रहा है? संसारिक पति। उस दृष्टि कौन से देख रहा है खाने के बाद? इसलिए उनको लगा कि अभी मैं इरफान को नहीं खिलाऊंगी तो मैं अकेला हो जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। और जितने भी संसार का ज्ञान हासिल करते हैं वो परमेश्वर से दूर रहते हैं या करीब जाते हैं? दूर जाते हैं। जोर से बोले दूर जाते हैं। आज जितनों ने संसार का ज्ञान को छोड़कर ईश्वरीय ज्ञान में आ रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक में जा रहे हैं कि संसारिक में जा रहे हैं? प्रार्थना में आ रहे हैं कि प्रार्थना से दूर जा रहे हैं? प्रार्थना में। प्रार्थना में आ रहे हैं, प्रार्थना में ध्यान लग रहा है। हालेलुया। तो ही प्रज्ञा की आत्मा, ईश्वरी आत्मा आप में छाया रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वही आत्मा आपका कल्याण करेगा और आपको विवेक देगा। हालेलुया का समाचार अध्याय 14 का 17 में लिखता है, वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है ना उसे पहचानता है। हालेलुया। ना देखता है और ना पहचानता है। बाइबल हमें साफ साफ बताते हैं वो सत्य का आत्मा है, झूठा आत्मा नहीं है। वो सत्य आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए संसार को छोड़ने के लिए कहता है हालेलुया। बुराई छोड़ने का था हालेलुया। गुनाह छोड़ने का था हालेलुया। यीशु ने कहा आपको मजा आएगा, यीशु ने कहा आपने लाभ करते हैं ना तो कितनी अच्छी लगती है, दोनों जन खुशी खुशी रहना, मंगनी करवाना और शादी कर करना, और कितनी आनंदित रहेंगे। ये कहा प्रभु मुझे? क्या कहा? यदि उस लड़की से तो बात करोगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। क्या कहा? आप क्या छोड़ना पड़ रहा है? प्यार। क्या प्यार? संसार का प्यार छोड़ना पड़ रहा है। संसार का प्यार छोड़ा तो ईश्वरी प्यार बढ़ा। यदि मैं ईश्वरी प्यार को छोड़ता तो मेरा किसका प्यार बढ़ता? संसार का। मतलब जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ उसका प्यार बढ़ता और बगैर मैं जीवे नहीं सकूंगा, मैं मर जाऊं, नीचे बैठकर भागो। तब ये समझाना चाहते हैं। हाँ जी आ रहा है, नहीं गाएंगे उसको। वही गाता ना, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। गाते वाह, अल्लाह बेहतरी के देता वाले क्या गाना है बाबा? कितना अच्छा गाना है ना, फुल बगीचा में क्या बनाएंगे? हालेलुया। और मैं और आपके बोल रहे हालेलुया। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा हालेलुया। यदि ऐसा करता मैं तो दुनिया कोई व्यक्ति नहीं रहता, दो धन केवल रहते। हाँ, दुनिया के सारे व्यक्ति है। कैसा लगता है?
उनको छोड़ा तो इधर चार बढ़ा। हालेलुया हालेलुया। हमें संसार छोड़ना पड़ता है, यही बात है। संसार के आपको पवित्रात्मा सत्ता की आत्मा आएगा तो आप संसार के आत्मा को छोड़ना पड़ेगा, या संसार को छोड़ना पड़ेगा। और जो संसार को, जो संसार में है वो पवित्रात्मा ग्रहण नहीं कर पाएगा, और पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं कर पाएगा तो ईश्वर को पहचान नहीं पाएंगे, ईश्वर को जान नहीं पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने उन शिष्यों से कहा था, तुमने देखा भी है, पहचाना भी है, छुआ भी है। आप कहेंगे मैंने भी देखा है, मैंने भी पहचाना है। शिष्यों से कहा था वो दिन कि आपने देखा भी है, जाना भी है और पहचाना भी है, कि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ रहता है। आपने देखा नहीं, सुना नहीं, बुझा नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए तो संसार में पड़े हुए हैं। हालेलुया। अब मैं एक उदाहरण आपको समझ के ला रहा हूं। उसको छोड़ा, इसको लाया, कहा भाग जाए। ऐसा ना इन्होंने तो देखा लिया ना। उसको छोड़ा, इसको लाया। आप सोचते हैं कि संसार है, ये संसार है ये नहीं। आप इसे समझने के लिए आगे बढ़ जाता हूं। मैं क्या बता रहा हूं, मैंने उसी समय पहचान लिया था यीशु को, और जान गया हूं और पहचान गया हूं। इसलिए पवित्र आत्मा ईश्वर, परमपिता ईश्वर, यीशु ख्रीस्त ईश्वर को मैं नहीं छोड़ सकता और नहीं भूल सकता हूं। इसलिए मैं इनके अधीन नहीं, परमेश्वर के अधीन रहना पसंद करता हूं। हालेलुया। और इनको भी अधीन रहना होगा मेरे साथ, क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे और इनको जोड़ा, किसी और ने नहीं जोड़ा है, ईश्वर ने जोड़ा है। तो क्या के लिए जोड़ा है, आप से पूछना है क्या के लिए जोड़ा होगा। आप लोग भी तो जोड़ते हैं, काम करते हैं। परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसी को पूरा करना पड़ेगा उसको और मुझको भी। काम सब पे करते हैं संसार में रहकर। ईश्वर का योजना क्या है, ईश्वर का इच्छा क्या है, उनको जानना पड़ेगा। मैं भी जान गया हूँ कि ईश्वर का इच्छा क्या है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि संसार मुझे ग्रहण नहीं करता, तूने ग्रहण किया है। शिष्यों से कहा, तू मुझे ग्रहण किया है, तूने मुझे स्वीकार किया है, तूने मुझे जाना है, तूने मुझे पहचाना है, क्योंकि मैं आपके अंदर हूँ, आपके साथ हूँ और आपके अंदर रहूंगा। पहचान अंदर से होता है। शिष्यों ने कहा, शिष्यों ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार में, वह कहते हैं, शिष्य कहते हैं कि आखिर ये कौन है जो हवा और पानी को भी आदेश देता है। मैंने जाना कि आखिर ये कौन है, वह ईश्वर है, इसलिए हवा को आदेश देता है, हवा आदेश मानता है, पानी को आदेश देता है, पानी मानता बात मानता है, हाथी को आदेश देता है, हाथी बात मानता है, शैतान को आदेश देता है, शैतान बात मानता है। शिष्य ने नहीं पहचाना था। आप भी हो सकते हैं ईश्वर को नहीं पहचाना, अब नहीं पहचाना होगी। तूने पहचाना है ईश्वर ने कहा शिष्यों। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया।
सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया हालेलुया। सदा तुम्हारे साथ मतलब आप नहीं समाते, सदा तुम्हारे साथ मतलब हाँ थोड़ा मैं गहराई में लेना चाहूंगा। अब ठीक बोल रहे हैं मेरी फिर भी, मैं एक आत्मा हूं और मेरे शरीर भी है, मैं आत्मा भी हूं। अब देखिए वहां पर देखिए कि वो आत्मा हमारे साथ है कि नहीं है। जब ये आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देता है तो हम अकेले शरीर को अकेला हो जाता है और मिट्टी में चला जाता है। मैं क्या कहना चाहूँ ध्यान से सुनिए, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो बाहर काम नहीं करेगा। अंदर में है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर हूं, तुम्हारे अंग के अंदर हूं, तुम्हारे जीवन के अंदर हूं, तुम्हारे साथ हूं। आप जहां जहां जाएंगे मैं भी जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं जहां जहां तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारा पैर उधर ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि गाड़ी चलाने वाला आप नहीं होंगे। हालेलुया मैं होऊंगा। हालेलुया कि मैं इधर जाना चाहता था इधर जाना पड़ रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने अनुभव किया है कि मैं जहां नहीं जाना चाहता हूं वहां मुझे ले जाता है। पिता की स्तुति हो, और मेरा पैर उधर ही बढ़ता है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार क्या हुआ, कभी मैं प्रार्थना कर रहा था रूम में, कभी ईश्वर ने कहा मुझसे आपको कोई बुलाने आ रहे हैं, आप बुलाने आने दीजिए। तो क्या हुआ, मुझको जबरदस्त खींच के निकाल लिया, खींच के निकाल लिया यानी मेरा पैर को अपने ही चला रहा है और निकाल दिया। और निकाल के जो लोग मुझे बुलाने आ रहे हैं उधर ही स्पीड से ले रहा है और मैं जान रहा हूं किसका घर जाना है, जबकि मुझे मेरे सामने आए नहीं है। और मैं रास्ता मिला और उन्होंने मुझसे कहा आपके पर बुलाने जा रहे हैं। मैं जानता था कि आप लोग घर जाना है इसलिए मैं आपके घर जा रहा हूं। चलिए जो काम है। और बड़ी खुश हुई ये सबको जान जा लिखा। और मैंने उसके घर गया, 5 मिनट प्रार्थना किया और डिलीवरी केस में थी और अच्छा हो जाती है। हालेलुया हालेलुया। पेंटी कोस्टर पे माँ बेटी थी और पेंटी को लोग माँ मरिया को नहीं मानते हैं, इसलिए यीशु क्रिस्ट ने कहा कि माँ मरिया का खाली विनती करना, यहाँ मेरा विनती मान और उनको दिखा देना। तो मैं वही कहा हे माँ मरिया तो सभी नारियों के नारी है, तारे दुखों को जानती है, नारियों का सोच और विचार को जानती है, तो कहा था कि सभी नारी मैं हूँ, आप ही नारी है, आप ही बच्चा को पैदा कर दीजिए, मैं विश्वास करती हूँ करता हूँ कहा। और ओके अरे और उन्होंने कहा था माँ मरिया से विनती करना करो। अब वो लोग को तो इतना विश्वास है कि यीशु से खाली विनती करना है, माँ मरिया से नहीं। हालेलुया। तो माँ मरिया का भी सामर्थ उनको दिखाई पड़ा। हालेलुया हालेलुया। और वो माँ मरिया को कलंकित करेंगे नहीं, बुरा कहेंगे नहीं। मतलब उस दिन से वो अभी माँ मरिया के बारे में शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। यहाँ यहाँ के जितने भी 20 कोस्ट वाले लोग हैं कभी शिकायत नहीं है, हम लोग मिल के रहते हैं। हालेलुया हालेलुया।